तो आज मैं आया हूँ, एक्चुअली आज मैं कहीं नहीं आया हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ। रीज़न तो आप सब जानते हैं, हैशटैग क्वारंटाइन लाइफ, हैशटैग लॉकडाउन, हैशटैग स्टे एट होम, हैशटैग स्टे सेफ, हैशटैग व्हाट टू डू इन फ्री टाइम, हैशटैग मैन वर्सेस क्वारंटाइन। चलिए चलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे खाली टाइम पे किया क्या जाए, कैसे ज़िंदा रहा जाए। मेरे बैग में है कुछ मोटी मोटी किताबें और कुछ नोट्स, ताकि मेरी मम्मी ये कह सके। हाँ, हाय, हमारा बच्चा कितना पढ़ता है, किसी की नज़र न लग जाए इसको। तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं वो है कि आप हाइड एंड सीख खेल सकते हैं। इसमें हाइड एंड सीख खेलने का फ़ायदा ये है कि अगर आप 10 दे रहे हैं तो आपको कोई थप्पा नहीं कर पाएगा, और अगर आप छुपे हुए हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं अभी छुपा हुआ हूँ, तो आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ढूंढने वाला तो कोई है ही नहीं, दोस्त तो है नहीं ढूंढने के लिए, और अगर घर वाले हैं तो उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो आपको ढूंढेंगे क्यों। मैं खुद यहाँ 2 दिन से छुपा हुआ हूँ और मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आया है। इसका एक फ़ायदा भी ये भी है कि आपको पता चल जाएगा कि फैमिली में आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अगली चीज़ जो आप घर पे खाली टाइम पे कर सकते हैं वो है कुकिंग। कुकिंग आपको आगे भी काम आएगी। वैसे तो मैं किचन में रखे हुए गैस के चूल्हे पे कुकिंग करने वाला था, लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में शाम को 5 बजे मैंने बर्तनों का जो हाल किया था, उसके बाद से मुझे किचन में नो एंट्री हो गई, और कल मैं चुपके से किचन में घुस भी गया था। तो मम्मी ने मेरा वही हाल किया जो बाहर घूम रही पब्लिक का पुलिस कर रही है, इसलिए मैं इस वाले चूल्हे पे, घर के ट्रेडिशनल चूल्हे पे कुकिंग करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आग जलानी पड़ेगी। तो मैंने आग जला ली है और आज मैं एक ख़ास रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। मैं पानी उबाल रहा हूँ और ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी है। अगली चीज़ जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो है ड्राइंग, स्केचिंग या पेंटिंग। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं अपनी कुछ ड्राइंग्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये कार्टून्स बनाए हैं जिसमें एक तरफ हूँ मैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में है मेरी बाबू। दोनों अपने अपने घर में हैं, उदास हैं, और उसके बाद बनाकर अंडरग्राउंड टनल बनाकर उसके घर जा रहा हूँ उससे मिलने। और ये देखिए, मैं उससे मिल रहा हूँ इसमें, और तभी मेरी बाबू के बाबूजी आ जाते हैं जो मुझे इस फोटो में चोक स्लैम दे रहे हैं। ये तो बात हो गई कार्टून्स की। इसके अलावा आपको जो पसंद है आप वो बना सकते हैं, जैसे कि मुझे पसंद है ये केसर युक्त विमल पान मसाला। हालांकि क्वारंटाइन में घर में होने के कारण मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी तस्वीर बना ली जाए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी एक मास्टरपीस। ये देखिए, आपको ये बिल्कुल असली लग रहा होगा लेकिन ये असली नहीं है, ये मैंने बनाई है, ये एक 3D ड्राइंग है। इसके लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये येलो और ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और ये शानदार 3D ड्राइंग बनाई है। अगली चीज़ जो आप घर में बैठे कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी भी जगह अवेलेबल है वो है गार्डनिंग। जैसे कि मैंने कल एक पौधा लगाया था ये, और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं सारे के सारे प्याज के प्लांट्स हैं, और ये भी मैंने परसों लगाया था और अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मैंने एक प्लांट लगाया है वो है ये जो बड़ा सा आप ट्री देख रहे हैं, ये मैंने 3 दिन पहले लगाया था और ये अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया है, तो इसके पीछे यही है कि आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा, उसको टाइम टाइम पे पानी देना होगा और खाद भी देना होगा, तभी ये इतनी जल्दी बड़े हो पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने गार्डन में घूम रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास कौन से जहरीले पौधे हैं, जैसे कि ये प्लांट, ये बिल्कुल मिर्च की तरह दिखते हैं और ये काफ़ी जहरीले होते हैं, तो इन्हें आपको खाना नहीं है मिर्च समझ कर। ये भी बहुत जहरीला है, ये भी बहुत जहरीला है। अगला काम जो आप कर सकते हैं अपने घर में वो है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का थोड़ा भी शौक है तो बस कैमरा लीजिए और निकल पड़िए। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा कैमरा, और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया ये
माइक्रोमैक्स भारत 4, इसमें HD क्वालिटी की फोटोज आती हैं और वीडियोस बनती हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक आर्ट है, इसमें आपको हजारों शॉट्स लेने पड़ सकते हैं और तब कहीं जाकर एक शॉट परफेक्ट आता है, जैसे कि मेरी ये फोटो। इसी तरह से आप अपने घर में अगर गार्डन अवेलेबल है तो वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये जगह सही लग रही है तो। तो शाम हो गई है इसलिए मैं अब आग जला लेता हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि मेरी इस कैंपिंग का मेरे मैन वर्सेस वाइल्ड की वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसमें असली की आग जलाता हूँ, यानी कि लकड़ी घिसकर या पत्थर रगड़कर, जबकि इसमें मैं माचिस लाया हूँ अपने साथ क्योंकि मैं घर पर ही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में भी मैं आग क्यों जला रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे WhatsApp पे मैसेज भी आया था कि आपको होलिका दहन में यानी कि किसी भी आग में कपूर, गुड़ ये सब डालना है जिससे कोरोना के वायरस समाप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने साथ अपने बैग में वही लाया हूँ और मैं इस आग में वही सब डालूँगा जिससे कि इस मेरे आसपास से कोरोना के वायरस समाप्त हो जाएंगे। और अगला काम जो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं वो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से बचने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने घरों पर रहें। ऐसी छुट्टी हमें दोबारा नहीं मिलेगी तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, घर पर रहिए। हैव फन।